नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सिंह। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ऑल इन वन ओपी में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा आरएसी और दोस्तों वेटिंग लिस्ट टिकट में अंतर। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों क्योंकि मैंने एक रेलवे पे वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि वेटिंग लिस्ट टिकट अगर आपका कन्फर्म नहीं होता है तो आपको उसमें ट्रैवल नहीं करना है अगर आप आईआरसीटीसी से बुक किए हैं तो, क्योंकि दोस्तों वो जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाता है। तो उसी के रिलेटेड दोस्तों बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आरएसी में सफ़र कर सकते हैं क्या, आरएसी वेटिंग लिस्ट तो नहीं होता है। तो उसी को लेकर दोस्तों ये वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इसमें मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि आरएसी का मतलब क्या होता है और आप दोस्तों ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि आरएसी का मतलब क्या होता है। आरएसी यानी कि दोस्तों रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन, यानी दोस्तों अगर किसी पैसेंजर ने टिकट बुक करके रखा है और अगर वो कैंसिल कर देता है तभी आपका रिजर्व होगा, यानी कि दोस्तों आपका सीट पूरी तरह से कंफर्म होगा। और आरएसी का दोस्तों सिंपल सा मतलब यही होता है, अगर हम नॉर्मली दोस्तों अपने भाषा में समझे तो बता दो दोस्तों कि आरएसी का मतलब होता है हाफ सीट कंफर्म, यानी कि दोस्तों आपका जो भी सीट है आप जिस भी ट्रेन में ट्रेवल करना चाहते हैं उस ट्रेन में दोस्तों आपको आधा ही सीट मिलेगा, यानी कि आपका कंफर्म ही होगा लेकिन आधा सीट पे आप बैठ के जाएंगे और आधा कोई और दूसरा मेंबर जो आपके साथ जाना चाहता है उसको भी वही सीट नंबर मिलेगा और वो भी दोस्तों उसी सीट पे ट्रैवल करेगा। लेकिन दोस्तों अगर वो मेंबर अगर चाहता है कि ना हम हाफ सीट पे ट्रैवल ना करें और अगर वो टिकट को कैंसिल करना चाहता है तो उस जगह पे दोस्तों फिर आपका वो जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आरएसी जो होता है कंफर्म ही माना जाता है क्योंकि दोस्तों आपको उसी समय सीट नंबर भी मिल जाता है और दोस्तों आप आरएसी में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और कंडीशन है, जब दोस्तों कुछ लोग टिकट बुक करते हैं तो 3 या 4 वेटिंग लिस्ट होता है उसके बाद दोस्तों आरएसी हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में दोस्तों सीट नंबर नहीं मिलता है उसी समय जब दोस्तों ट्रेन खुलने वाली होती है और जब चार्ट प्रिपेयर हो जाता है तब जाके दोस्तों उनको आरएसी का सीट नंबर मिल जाता है। लेकिन आप जैसे ही टिकट बुक करते हैं और उसी समय दोस्तों अगर आपका आरएसी है तो आपको दोस्तों जरूर आपको सीट नंबर दे दिया जाएगा। और दोस्तों आप ये भूल में मत रहिए कि आरएसी वेटिंग लिस्ट होता है, दोस्तों आरएसी कुछ भी वेटिंग लिस्ट नहीं होता है, आरएसी में आप आराम से सफर कर सकते हैं, आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। आप अपना टिकट कटाए हैं तो आपका वो जो टिकट है कन्फर्म ही है, आपको ट्रेवल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप किसी भी ट्रेन में दोस्तों अगर आपको आरएसी मिलता है, ऐसे तो दोस्तों एसी में अभी आरएसी का फैसिलिटी नहीं है, राजधानी वगैरह में आरएसी नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों आपको कोई भी ट्रेन है जहां पे कि आपको आरएसी का टिकट मिल चुका है तो आप इजीली सफर कर सकते हैं। और आप अपना स्टेटस भी चेक करते रहिए, यानी कि दोस्तों अगर आपका फुल्ली कंफर्म हो जाएगा तो CNF लिख देगा आपके रेलवे स्टेटस जहाँ पे भी आप चेक करते हैं और दोस्तों वो सीट जो है आपका पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। तो बस दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दोस्तों बाकी लोगों को भी पता चले इस आरएसी और वेटिंग लिस्ट के बारे में कि दोनों में क्या अंतर है। और दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ और कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों आप मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगला वीडियो में क्या डालूं उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।